freestyle. फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका नाम है फेंडा ऑडियो का PA 300। जी हाँ, सही नाम सुना आपने, PA 300 मॉडल के नाम से जाना जाता है फेंडा ऑडियो का। और ये फ्रेंड पोर्टेबल स्पीकर कह सकते हैं, ट्रॉली स्पीकर कह सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और मेन रीजन क्या है, ये उनके लिए उपयुक्त है। अगर आप मान लो कोई अगर आप मान लो कि मंदिर में यूज करना चाहो मंदिर में यूज कर लो, चर्च में यूज करना चाहते हो तो चर्च में यूज कर लो। और ज्यादातर चर्च में क्या रिकमेंडेशन रहता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, वो लाइटिंग ऑफ ही रिकमेंड करते हैं। तो इसमें बटन दिया हुआ है, आप चाहो तो लाइट ऑफ भी कर सकते हो। और बाकी कैरो के कंपैटिबल है, क्लासेस वगैरह अगर आप कोई ज्वाइन करते हैं, मान लो क्लासेस में कोई लेक्चर दे रहे हैं तो भी आप यूज करके यूज में कर सकते हैं। बाकी सिंगिंग में भी अच्छा है, और ट्रैवल कर रहे हैं कोई पिकनिक में लेके जा रहे हैं, मल्टीपर्पज में काम आता है। आप तो ज्यादा आपको नॉलेज तो है ही ऑलरेडी। अगर आप बैटरी वाला स्पीकर सोच रहे हो तो फेंडा ऑडियो का PA 300 मॉडल भी ले सकते हैं। साउंड क्वालिटी काफी अद्भुत है, लो वॉल्यूम करो चाहे फुल वॉल्यूम करो, आवाज फटती नहीं है और साउंड काफी क्लियर है। तो आइए मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आइएगा और जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल पाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोर्स बटन है। तो कई जगह आपने देखा होगा कई जगह इनपुट लिखा होता है, कई जगह मोड लिखा होता है। तो यानी कि आप सोर्स बटन दबा के ब्लूटूथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको एक आइडिया हो गया, ये बटन है ब्लूटूथ का, आप ब्लूटूथ से पेयर करना चाहे ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आइएगा क्योंकि मैं अपने पैनल के बारे में बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, प्ले पॉज का बटन हो गया, और ये आपका लाइट चेंज करने के लिए बटन हो गया, ये पावर ऑन ऑफ और पावर ऑन करने के लिए बटन हो गया, ये कुछ बटन दिए हुए हैं थोड़े से आवाज वगैरह देने के लिए। और ये देखिए, ये माइक का वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, माइक का इको आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिस्टम का बेस, सिस्टम का ट्रेबल, और इसमें एक वायरलेस माइक आता है। और बाकी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, टिंकू भैया चलो माइक तो एक वायरलेस आता है, अगर कल को आपको वायर्ड माइक लगाने तो कहाँ लगाएं, दिख तो कहीं नहीं रहा। ये देखिए, पीछे भी देखोगे तो कहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे आप वो लगा सकते हो, वायर लगा सकते हो उसको चार्ज करने के लिए। बट सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये देखिए फ्रेंड, ये आप देख रहे हो, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए दो माइक यहाँ लगा सकते हो। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, माइक लगा लो, गिटार लगा लो, आपके ऊपर है। और ये देखिए, और यहाँ पे भी आप माइक लगा सकते हैं, और बाकी ऑक्स का ये रहा, और ये यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और ये ऑप्टिकल का ऑप्शन है। ऑप्टिकल इतना यूज में कहाँ आता है, ज्यादातर लोग ब्लूटूथ से यूज करना प्रेफर करते हैं। और बाकी अब मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा आगे आइएगा, ये बटन दबाना है आपको, ये देखिए, ये जो बटन दबाएंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ सकता है। और बाकी मैं थोड़ा कैमरा मैन कहूँगा आगे की तरफ रहे, क्योंकि मेन बात जो है वो मेरे को पैनल के थ्रू ही दिखाना है। अब ये देखिए, अभी मैंने इसकी लाइट ऑफ कर रखी होगी, यहाँ पे इसको बटन दबाएंगे, ये देखिए लाइट चेंज हो रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मैं दोबारा इसको दबाता हूँ, ये देखिए, और दोबारा दबाते हैं, ये देखिए चेंज हो रहा है। बाकी फ्रेंड, अभी इसकी बैटरी लो है तो उसको पहले चार्ज जरूर करना, फिर इसको यूज़ करिएगा, तो वो वाली बात है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसका एसेसरीज क्या क्या थी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एसेसरीज देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एसेसरीज क्या क्या आती हैं, आपको एक अनुभव हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा, ये देखिए FNT PA 300 में एक तो आपको यूजर मैनुअल मिलेगा इस प्रकार का, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार की एक आपको अच्छी क्वालिटी की RCA स्टीरियो केबल मिलेगी। RCA स्टीरियो जो केबल होती है वो आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में लगाने के काम आएगी, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, उसका मोड रहता है ऑक्स, ठीक है। एक तो आपको कोर्ड का आइडिया लग गया। इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसमें रिकॉर्डिंग का दिखा रहा है, माइक प्रायोरिटी का दिखा रहा है, इसमें वॉल्यूम का दिखा रहा है, लाइट का दिखा रहा है, ब्लूटूथ का। और फ्रेंड, जो यहाँ सोर्स लिखा है ना, तो कई जगह जो होता है वहाँ कई जगह लिखा होता है इनपुट लिखा होता है, कई जगह मोड लिखा होता है। तो सोर्स बटन दबाएंगे आप ब्लूटूथ में जाना है ब्लूटूथ में भी जा सकते हैं। बाकी यह देख सकते हैं, इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इस प्रकार की एक आपको पावर कोर्ड मिलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखिएगा,
कि अगर आपको ये यूज करना है तो पहले कंप्लीटली चार्ज करेगा फिर यूज करेगा। जैसे नए मोबाइल फोन लाते हैं तो पहले रिकमेंडेशन ये होता है कि आप अपना मोबाइल फोन को पहले कंप्लीटली चार्ज करिए फिर यूज करिए। इसी तरह ट्रॉली स्पीकर में भी होता है कि अगर आप ट्रॉली स्पीकर परचेज किया है तो डायरेक्टली यूज मत करना, पहले इसको चार्ज करो फिर यूज करो। और आपकी नॉलेज के लिए, आपके संज्ञान के लिए बताना चाहूंगा, जहां तक मैंने देखा है ठीक है, 8 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे के आसपास का बैकअप देता है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकेशन में देखा था तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मली 1 या 2 घंटा भी चल जाए, 3 घंटा भी चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। पार्टी का टाइम तो इसी के आसपास ही होता है ना। चलो चलो आपको एक आइडिया हो गया। इस प्रकार का एक आपको माइक मिलता है, तो बाकी आपको आइडिया लग गया तो एक काम करेंगे तो हम माइक भी यूज़ करके देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा कैसा है कैसा नहीं। बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर बता देता हूँ आपको। इसमें जो फ्रेंड फ्रीक्वेंसी नंबर लिखा है 261.8 MHz, मैं रिपीट कर देता हूँ 261.8 MHz, ये VHF माइक है, तो कैरोके कंपैटिबल भी है। इस प्रकार की आपको 2 बैटरीज मिलती हैं, एक तो आपके माइक के लिए हो गया और ये हो गया आपके रिमोट कंट्रोल के लिए। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ज्यादा सिंगिंग करते हैं ठीक है, तो आप हो सके तो रिचार्जेबल वाली बैटरीज यूज कर लेना। उस कहने का रीजन ये है क्योंकि माइक में कहता है कि जो बैटरी होता है ना पावर, वो ज्यादा खींचते हैं और जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। तो रिचार्जेबल से क्या होगा, ज्यादा सिंगिंग करते हैं तो आप बार बार रिचार्ज करो, वो यूज करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको आइडिया हो गया तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर में माइक भी यूज करके देखते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने एक्सेसरीज तो देख ही ली होंगी। तो माइक को टेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, तो एक तो टू वे स्पीकर है। टू वे स्पीकर इसलिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्राइवर साइज है ना, एक तो यहाँ पे कॉमन है ठीक है, उसका जो साइज है 7 इंच का है और ऊपर लगा हुआ है ट्विटर 2 इंच का। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा फ्रेंड, इसमें जो आपको साइड में बैक साइड में अगर आप ध्यान से देखें, कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आइएगा, तो इसमें जो FM एंटीना केबल है वो इस तरफ दे रखी है, ये देखिएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा जो रह गया था, एक तो जो उसका ब्लूटूथ का जो वर्जन है ना, ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5 है। और फ्रेंड अगर जो हम इसको पावर ऑन करते हैं ना, तो ये जो 3 बटन है ना, आप ट्रैक चला रहे हो या कोई गाना चला रहे हो उसमें इसमें बजा सकते हो, आपके ऊपर है। ये देखिए मैं इसको पहले ऑन करता हूँ, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये ना ये देखिए, अब मैं थोड़ा इसमें ऑन हो जाए इसमें, ये देखिए ये बटन दबाता हूँ, ये देखिए आवाज कितनी मस्त लग रही है वैसे। दूसरा बटन दोबारा कैसा लगा, चलो माइक टेस्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे। फ्रेंड सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैंने इसको माइक टेस्ट करके देखा, एक तो डिस्टोर्शन लोगों लगा ही नहीं, VHF माइक है और डिस्टोर्शन भी हो रहा, वाव अमेजिंग। बाकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, सिंगिंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को और म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल अभी इसको हम ऑन कर लेते हैं, इतना चार्ज नहीं है फिर भी इसको चलाते हैं भाई। हेलो, ये देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा, इसमें इको बढ़ाया हुआ है, इको कम कर देते हैं। ये देखिए आवाज क्लियर आ रही है और साउंड क्लियर है, आवाज फट नहीं रही वायरलेस माइक की। तो थोड़ा सा माइक का आइडिया हो गया आपको, अगर आपको परचेज करना हो तो शिव इंटरनेशनल से परचेज कर सकते हैं, दिल्ली वाले टिंकू भैया से। मैं परचेज का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मैं अभी माइक को ऑफ करता हूँ। तो फ्रेंड एक चीज बताना चाहूंगा, एक तो माइक की क्वालिटी मेरे को सही लगी, आवाज अच्छी है। 2 माइक लगाना चाहे आप, अलग से लगाना चाहे तो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है लगाना या नहीं लगाना। ट्रैक के हिसाब से भी अच्छा है, साउंड क्लियर है। और अब रहा सवाल की टिंकू भी हम आपसे क्यों परचेज करें, पहली बात तो ये है कि फ्रेंड अगर आप प्रोडक्ट परचेज करो, मैं तो हूँ दिल्ली से, इनका हेड ऑफिस भी दिल्ली का है। और सोने पे सुहागा की जो बात है कि मेरे पास जो सामान आता है वो FND की टीम के थ्रू आता है ठीक है। कल को अगर आपको सपोर्ट करना हो, अगर आपने मुझसे परचेज किया होगा तो गोल्ड सर्विसेज मिलेंगी, जैसे नियर बाय कोई सर्विस सेंटर की डिटेल चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली के बाहर है, देखो हमारा काम है आपको प्रोडक्ट तो सेल किया ही, बट एक मीडिएटर का काम करते हैं, एट दी एंड जो वारंटी है वो फेंडा ऑडियो वाले ही देते हैं। तो एक मतलब ये गोल्ड सर्विसेज हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए, अगर किसी ने कहीं और से परचेज किया तो हम सिंपल बोलते हैं सर जहाँ से आपने परचेज किया वहाँ पे बात करिएगा, क्योंकि दिन में बहुत सारी कॉल्स भी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा ट्रैक प्ले करते हैं फिर आपको आइडिया लगेगा। तो आई होप यू विल लव दिस वीडियो। और फ्रेंड एक बात और बोलना चाहूँगा, नॉर्मली हम COD की फैसिलिटी देते हैं, 10% एडवांस लेते हैं, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम, 10% एडवांस भी इसलिए लेते हैं, देखो हमें भी आश्वासन चाहिए अगर हम इधर प्रोडक्ट भेज रहे हैं और एट दी टाइम ऑफ डिलीवरी जिन्होंने ऑर्डर किया वो हमें पे कर देंगे।
तो फॉर अ सेफर साइड हम एडवांस लेके जाते हैं, देने वाले को भी टेंशन नहीं, तो वो पूरा पैसा नहीं दे रहे क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप डील कर रहे हो तो, नहीं तो पुराने कस्टमर तो प्रीपेड भी कर देते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी बिजनेस तो मैं काफी समय से कर ही रहा हूँ, तो आई होप, चलो एनीवे फिलहाल थोड़ी देर में हम एक ट्रैक प्ले करते हैं। चलिए फ्रेंड, एक हम ट्रैक प्ले करते हैं और हो सके तो हेडफोन यूज कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी साउंड क्लियर है, आवाज अच्छी आ रही है, हो सके तो मुझे मौका जरूर देना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9650722798 पे एक ट्रैक प्ले करते हैं। ये देखिए, ऑफ कर देते हैं। बस मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको, साउंड की क्वालिटी का अनुभव दे पाऊं जो मैंने फील किया, और बाकी हो सके तो मौका जरूर दीजिएगा शिप इंटरनेशनल को। शिपमेंट मेरी दिल्ली से जाती है ऑल ओवर इंडिया, तो मेरा पर्पस था, देखो एक आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना बेसिक। टू वे स्पीकर है, 7 इंच के डुअल ड्राइवर लगे हैं, ऊपर ट्विटर लगा 2 इंच का, ब्लूटूथ का वर्जन है 5। और बाकी रहा सवाल, 2 माइक अलग से लगाना चाहो लगा सकते हो, 1 माइक तो आता ही है। और माइक में मैंने बात ऑब्जर्व करी, आवाज कटफट नहीं रही थी, तो आपको आपके सामने यूज किया है। इको का इफेक्ट भी अच्छा है, माइक का वॉल्यूम का इफेक्ट भी अच्छा है, बेस ट्रबल आप ऊपर से एडजस्ट कर सकते हो या तो रिमोट से कर लीजिएगा। और फ्रेंड एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वेट में थोड़ी हैवी है, ये उसके बच्चों को उठाने करने में दिक्कत है, पहले ही बता के चल रहा हूँ कि वेट में हैवी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लाइटिंग चेंज करने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो हो सके तो अब की बार टिंकू भाई को मौका देना, दिल्ली वाले टिंकू भैया। हमारे बिजनेस का नाम है शिव इंटरनेशनल, वेबसाइट का नाम है टुलिप smile.com, TULIP, टुलिप smile, SMILE.com। और जो हमारी गोल्ड सर्विसेज हैं वो हमारे सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए हैं। अगर आपने कहीं और से परचेज किया, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा, आपका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर हमारे प्रोडक्ट से मैच करेगा नहीं, तो उसमें मैं सपोर्ट नहीं करा पाऊंगा। हमारी गोल्ड सर्विस हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो एनीवे मेरा जो पर्पस था वो संपूर्ण हुआ, प्रोडक्ट से वो संबंधित जानकारी देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे, इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहे। जय हिंद जय भारत। और आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, हो सके तो इंडियन सेलर्स को मौका दीजिए, देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय।